शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। तो चुनावी बयार है, टिकट का इंतजार है और नेता भी तैयार हैं। इस बीच सभी दलों को 24 में सरकार बनाने का भी इंतजार है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। इस बीच विपक्ष के सभी दल ऐन चुनाव के पहले हुई इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। तो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टियों के लोग भ्रष्टाचार पर इसको एक बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 370 सीटें पर जीतने का दावा किया है, जबकि विपक्ष कैसे भी करके सत्ता की कुर्सी को अपने हवाले करना चाहती है। लेकिन इस बीच देश भर में नए नए सियासी घटनाक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के 6 पूर्व विधायक और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उधर गुजरात में बीजेपी को 2 बड़े झटके लगे। साबरकांठा से बीजेपी उम्मीदवार भीखाजी ठाकुर ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। जबकि वडोदरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने भी ऐलान किया है कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे सियासी पारा और भी चढ़ता नजर आएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे देश के सियासी माहौल को। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं ही जरा उनको सुनिए आप। तो मैं कहूंगा 6 ने छक्के छुड़ाए कांग्रेस के, तो तिकड़ी ने शुभ अंक 9 बनने में सहयोग दिया और आज 9 विधायक छोटे से हिमाचल प्रदेश में जो लगभग 14% कुल संख्या का बनते हैं, और जब कांग्रेस अपने 43 गिनती थी अगर उनमें से 9 अगर ऐसे निकाल लिए जाएं तो आप समझ सकते हैं आज उनकी स्थिति क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, आप आए हैं भारतीय जनता पार्टी को ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन आप एक नए परिवार का हिस्सा बने, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और मैं यही कहूंगा 3 के 3 आजाद जो थे आज दूसरी तरफ सफाया करके पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कहकर आ रही थी कि हमें 30 जून 2024 तक समय चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए, हमने 15 सेकंड के अंदर यह जानकारी हासिल की है। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि यह जानकारी अभी निकले, पूरी तरीके से ये जानकारी निकले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। 38 कॉरपोरेट ग्रुप हैं जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट ये पिछले 6 सालों में 179 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं बीजेपी सरकार, हमारे मोदी सरकार से। और ये 38 कॉरपोरेट ग्रुप जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीजेपी से, उन्होंने ये बॉन्ड खरीदा है। कॉरपोरेट सारे प्रोजेक्ट कुल मिलाकर करीब 4 लाख करोड़ प्रोजेक्ट हैं ये। जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और कई दलाल जेल में है, वहीं मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था इसी मन से, मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल
कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं। लगातार सियासी वार पलटवार का दौर जारी है और हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अश्विनी शाही जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल तालान जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, अभी आप आतिशी जी को सुन रहे थे। मनी ट्रेल का बड़ा आरोप लगा है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और मनी ट्रेल कहाँ हुई है, देखिए अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने बता दिया। देखिए योगेश जी, जब चोरों को मार पड़ती है तो आए बाएं साए चिल्लाते हैं, अपराधियों को मार पड़ती है तो वो भी बहुत तेज चिल्लाते हैं। ये तो भ्रष्टाचारी हैं, स्वराज से शराब तक जो आए हैं आज मनी ट्रेल दिखा रहे हैं। मनी ट्रेल तो देखना चाहिए ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का धन्य हो। भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद देना चाहिए देश की जनता को कि जिसने जो पहले वो थैलियों और बोरियों में जाता था लोगों के पास, उसको कम से कम हिसाब में तो ले आए। हमको भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, उनको भी, आम आदमी पार्टी को भी मिला, सबको मिला, पूरे देश में जो चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड में, कोई अब कहने वाला नहीं है कि नहीं मिला है, सब लोग बताए ना। अभी देखिए कल साफ, कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जयराम रमेश जी ने कहा कि दरअसल उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब उनका जो घोषणा पत्र आया था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस प्रक्रिया को वो खत्म कर देंगे, वो इसके पक्ष में कभी रहे नहीं, ये कह रहे हैं। कांग्रेस अभी भी कह रही है ना, अच्छी बात है। देखिए आज चुनाव और पार्टियों को चंदा देना कोई नई बात नहीं होगी जी, लेकिन पहले चंदा बोरियों में आता था, किसी को पता नहीं चलता था। सीताराम केसरी ने कहा वही सही ना खाता ना वही, ये होता था और बोरों में आता था। अब आज इस ट्रांसपेरेंसी की जो बात अरुण जेटली साहब कह के गए कि कम से कम जो देगा उसका हिसाब तो रहेगा, चलिए सुप्रीम कोर्ट के उससे आया हिसाब आया। अभी कल शाम को 5 बजे से शायद वो अपलोड हुआ है, लेकिन उसके पहले देखिए कौन से सूत्र है जयराम रमेश जी के पास, आम आदमी पार्टी के पास, सबके सारे पार्टियों के पास, कि सभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फ्यूचर गेमिंग, भारतीय जनता पार्टी को इतना दिया, मेदांता ने इतना दिया, इसने उतना दिया, इन लोग पास आ गया था। अरे ये सारे कोरे झूठे हैं, जितने हैं सब झूठ बोलते हैं। आ गया, मेरे पास भी है, भाजपा को मेदांता ने भी दिया है 230 करोड़ और कांग्रेस को 125 करोड़। मैं एक उदाहरण से पूछना चाहता हूं कि चलिए हम सरकार में हैं, मेदांता को हमारे पास हम माइनिंग और लीज और सब दे रहे हैं जो इनका आरोप है, भाई 125 करोड़ ये पाए, इन्होंने क्या दिया उसको, क्या फायदा पहुंचाया? अगर इनके पास शासन नहीं है, सत्ता नहीं है, खान नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब देश का कोई बहुत गंभीर चीज जो इनके 56 सालों के सरकार में रहा है इन्होंने बेचा है उसको, कुछ ना कुछ देश के साथ गद्दारी की है, कुछ तो दिया होगा। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है उसका पता करे, जांच करे, जिम्मेदारी है पता करेगी, तभी तो जेल जा रहे हैं ये सारे चोर भ्रष्टाचारी, तभी तो जेल जा रहे हैं, सरकार पता कर रही है।
ठीक है, लेकिन ये लोगों ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे के नाम पर जितना जितना पैसा आया है, ये कहिए योगेश जी ट्रांसपेरेंट है और किसी के चीखने से नहीं। कांग्रेस बताए ना कि उसको कहां से मिला 2000 करोड़ रुपया, टीएमसी बताए ना कहां से मिला और उसके एवज में उसने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली उनके तरफ उठेगी। ठीक। और ये जितने भ्रष्टाचारी है कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने भी लिया है, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हाँ हमको मिला है। आशीष मिश्रा जी, बीजेपी तो सीना ठोक के कह रही है कि हाँ हमने लिया है, अब अगर आपको भी चंदा मिला है उसी प्रक्रिया के तहत तो फिर हो हल्ला शोर शराबा क्यों? आप कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो अभी तो आप सरकार में है नहीं, सरकार में आइएगा तो जांच कराइएगा। बीजेपी यही बात कह रही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है हम जांच करा रहे हैं और जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, तब भी आप रो रहे हैं। योगेश जी पहले तो थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, आपके बाद में मुझे बहुत स्लो आ रही है। देखिए आवाज थोड़ा आशीष जी को बढ़ाइए भाई, आवाज नहीं मिल रही शायद आशीष जी को। सवाल आपको मिला? हाँ मैं ध्यान से सुना था। ठीक। बीजेपी ने योगेश जी बीजेपी ने ये माना नहीं कि चंदा हमको मिला, इनकी हलक में हाथ डाल के सुप्रीम कोर्ट में जब इनको तमाचा लगा तब जाके इन्होंने कबूला, और ये भी ऐसे नहीं कबूला है। मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, ये लोग को तो 30 जून के बाद का समय चाहिए था। जो भी इनसे आज पूछ लो, अगर आज की तारीख में इसे पूछोगे आज के काम बताओ आज की चीजें बताओ तो ये आपको 2050 और 2090 की बात करेंगे, तब ऐसा होगा। अब ऐसा हुआ ये तो बताओ ना। दूसरी चीज कि भाई हमारे कह रहे थे गोनी गोनी में पहले पैसे आया करते थे, कितने गोनी का हिसाब निकाला इन्होंने पूछो ना। और आज जो बोल रहे हैं सब जेल में जा रहे हैं, जेल में तो जा रहे हैं ठीक है, जेल में आप ठूस रहे हो, पहले की जेल में जाने की प्रक्रिया में और अब की प्रक्रिया में बहुत अंतर हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि कोई व्यक्ति जब जेल में जाता था उसके ऊपर आरोप लगाए जाते थे, वो इस्तीफा देता था, जेल में जाता था, उसके साथ में उसको वो जेल में जाने के बाद भी नहीं दे रहे। वही तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि चारा घोटाला वाले तो इस्तीफा दे दिए लेकिन शराब घोटाले वाले इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए इस विषय पे तो हम लोगों ने बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बातें थी हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है, लेकिन अभी क्या हो गया पता है कि जब आप गला दबा के ना ज्यादा परेशान किसी को करने लग जाओगे ना तो सामने वाला भी थोड़ा सा एटपन पे अपने आ ही जाता है ठीक है। तो अब हो सकता है कि दोनों तरफ से अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा हो, लेकिन आज देखिएगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता है संजय निरुपम जी, उन्होंने भी एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि अरविंद केजरीवाल जी को ठीक है हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि एक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है विपक्ष के नेताओं को, तो हमारा ऐसा कहना है कि उनको इस्तीफा देके आगे की प्रक्रिया पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इन लोगों का नियम बन चुका है जमानत तो तब तक नहीं मिलने वाली जब तक चुनाव नहीं होने वाले, क्योंकि जब आदमी झुका नहीं तो उसको जेल जाना ये विकल्प कब्र तो खोदी आप ही की है। ये कब्र जो खोदी गई है ये तो आप ही की है, आप ही ने तो पूरी रणनीति पूरी तैयार की थी कब्र जहां पर आज आप सबको पहुंचा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा योगेश भाई आप कैसा कह रहे हैं, हमारे ऊपर भी इन्होंने कब आरोप नहीं लगाए अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी। देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, अभी जैसे देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई हैं, मैं इनसे कहूं कि आपने दूसरे का सुनी सुनाई बातों को लेकर हमें आरोप हम पे आरोप मर दिए, हम पे आरोप अपने 2G स्पेक्ट्रम का लगाया, कोयला घोटाला का लगाया, रॉबर्ट वाड्रा जी को लेके लगाया, और हर जगह पे आपको क्या खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। लेकिन हम सत्ता में थे तो सत्ता के अहंकार में नहीं जी रहे थे, हम सत्ता में थे तो हमने कहा भाई ठीक है अगर किसी के मन में कोई शंका है तो तुरंत के तुरंत मुकदमा दर्ज हो और आदमी को इस्तीफा देके जेल के अंदर जाए। लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनके यहाँ पे तो उल्टी प्रक्रिया है, इनके यहाँ पे तो उल्टी प्रक्रिया है, आपके ऊपर आरोप लगाए ना तो एक काम करो या तो जेल या तो बीजेपी, बीजेपी में आ जाओ आपकी फाइल बंद। ठीक है, हमारी तरह ऐसा नहीं। ठीक है राकेश परमार जी, आपसे हम समझेंगे कि कौन अहंकारी है और कौन संस्कारी है। पांडे जी नमस्कार और आपके सभी कनिष्ठों को मेरा प्रणाम। देखिए पद प्रतिष्ठा पा करके आदमी बौरा जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी के पास होता है, इतना शालीनता होता तो राजनीति में नहीं होता। एक बात जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं उस बात में दम है। देखिए मुझे मालूम है कि रावण वाड्रा के विरुद्ध केस क्यों नहीं खुल रहा है, या इसलिए कि भाई आज तू मेरा ढक मैं कल तेरा ढकूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, कहीं मान लो अमित शाह को बुरा लग गया तो वो छोड़ देगा अगले वाले भविष्य के लिए, फिर पता चल जाएगा कि कितना केस है। लेकिन चलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए
कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, आप में से सब लोगों के लिए एक नसीहत है कि आप यह ना कहें कि उनके छापा क्यों नहीं पड़ रहा है, पढ़ना उनको चाहिए। आदर्श राजनीतिक व्यवस्था है कि जो इस देश में पाप करे उसको सजा मिले, चोरी करे उसे पकड़ा जाए। लेकिन जो आपके यहाँ पकड़ा जा रहा है, पहले आप उसकी सफाई दे कि क्या आपके यहाँ गलत पकड़ा गया। अभी हम लोग अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, मुझे हंसी नहीं, गुस्सा आ रहा है कांग्रेस प्रवक्ता को अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए। मतलब जब शराब घोटाला हुआ था तो सबसे पहले कांग्रेस ने एक्सपोज किया था और कांग्रेस बवाल मचा रही थी कि दिल्ली को तरह शराब में डुबो करके मारने की साजिश कर रहे अरविंद केजरीवाल। मतलब आप तब गलत बोल रहे थे, तो क्या आप पर तब पर केस बने राष्ट्र को गुमराह करने का, देश को गुमराह करने का, एक चुने हुए सरकार को पदस्थ करने का, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का, या फिर आप अब झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, एक आदमी को गुमराह कर रहे हैं, एक पूरी संस्था को बदनाम कर रहे हैं। बातें बताइए, क्योंकि आप ही ने कहा था शराब घोटाला हुआ है और आप ही अभी कह रहे हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, जो मर्जी उसको गिरफ्तार कर ले रहा है। इन बातों से देश की जनता का भरोसा राजनीतिक दलों के ऊपर से उठ रहा है। मैं राजनीतिक दल कर रहा हूं, भाजपा कांग्रेस सभा नहीं करो, पहले उसमें सभी आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के ऊपर से भरोसा उठ रहा है कि भाई जब ये आदमी मौका मिलता है तो कहता है अरविंद केजरीवाल शराब में घोटाला किया है, शराब में बेईमानी किया है, कानून बनाने और बिगाड़ने में खेल किया है, और जब लग रहा है कि इसी बहाने चुनाव में कुछ फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अपने करने से तो कुछ हो नहीं रहा, उनको लग रहा है कि भाई हमारे बस की बात नहीं रही है, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई विधवा विलाप करके सिंपैथी लार गेन करके कुछ हासिल करने का प्रयास करे, यह गलत है और यह नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोधी। बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी कही, इस बात को हम राहुल तालान जी से समझेंगे। राहुल जी, परमार जी को आपने सुना, मतलब अगर हम सत्ता पक्ष में आने की स्थिति में नहीं है तो कुछ भी आए बाएं साएं बकने लगे, कुछ भी बोलने लगे, पहले कुछ बक रहे हो, आ रहे हैं आशीष जी, आ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए आप राहुल जी के पास। तो क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, और जो अगर हम पिछले कुछ चुनावों का जिक्र करें, 2013 के बाद से जितने भी चुनाव लगातार हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से, कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, क्या यही वजह है कि अब कोई भी साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, कैसा भी कितना भी सफेद झूठ बोलना पड़े, सब बोलेगी कांग्रेस? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है या ऐसी समस्या है, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कांग्रेस ठीक है कि लगातार इलेक्शन हार रही है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिकली कुछ गलतियां हैं, जो वो जो चाह रहे हैं वैसा उनको हासिल नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन साथ में ये भी चीज है कि देखिए, बीजेपी ने भी बहुत सारी गड़बड़ें की हैं। जैसे अगर जो मैं एक इंडिपेंडेंट वॉइस के तौर पर बात करूं, इस देश के नागरिक के तौर पर बात करूं, तो जो चंदा लिया गया है, जो चंदे में जितना भी, देखिए आपने जो भी उद्योगपति उनसे चंदा ले लिया, तो हक किसका मारा जाएगा? सवाल ये है कि आप चलिए ले लिया आपने चंदा किसी बिजनेसमैन से, सरकार को पहली बात तो चंदा लेना ही नहीं चाहिए। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप अभी अश्विनी साही जी बोल रहे थे कि बोरी भर भर के नोट आते थे एक टाइम पे पार्टियों के पास, ठीक है वो सुधार की फेज थी, फिर सुधार की फेज में किया है कि आप बॉन्ड लेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे, लेकिन उसके बाद भी तो सुधार होना चाहिए था ना। अगर जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नीयत साफ है, तो उनको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे ही नहीं। जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से, तो हक किसका मारा जाएगा? आम आदमी के लिए करेंगे क्या आप एक तरीके से अपनी जो अंतरात्मा है उसको गिरवी रख दे रहे हैं ना, किसी के सामने? किसके सामने? बिजनेसमैन के सामने। जबकि इस देश की अधिकांश जनता जो है वो आम नागरिक है, मीडियम क्लास है, तो मीडियम क्लास के हक क्यों मारे जाए किसी के लिए? चाहे देखिए घोटाले हो इस देश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी घोटाले करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले बिजनेसमैन से, 400, 500, 100 करोड़ या 110 करोड़ या 20 करोड़, तो ये जब किसका हक जा रहा है इसमें? क्योंकि आप उनके फेवर में पॉलिसी बनाने के लिए चंदा ले रहे हैं ना, तो दिक्कत किसकी हुई? दिक्कत आम आदमी की हुई, परेशान कौन होगा? आम आदमी। तो ऐसा नहीं है कि डिफेंड उसको करना चाहिए, अश्विनी साहिल जी को, जो डिफेंडेबल है। आप ऐसी चीज को डिफेंड नहीं कर सकते, चाहे तो कांग्रेस ने चंदा लिया हो एक टाइम पे बोरी भर भर के नोट बिजनेसमैन से, तब भी आम आदमी का हक मारा गया। अगर जो आज बीजेपी ने लिया है इतना ज्यादा चंदा, तो आम आदमी के हक के सौदा करते हैं आप। बिजनेसमैन जो भी है, पूंजीपति जो है, उनको पैसा कमाना है, वो पब्लिक वेलफेयर के काम नहीं करते, सरकार के प्रेशर में पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं वो। और अगर जो सरकारी ये सब करने लगे, तो अगर जो जब आपको है कि आपको चंदे की जरूरत, तो जाइए ना आम पब्लिक के पास,
आपकी लोकप्रियता है तो आम पब्लिक दे, मैं दूंगा अपनी पॉकेट से 100 रुपए चंदा, आम पब्लिक देगी 100-100 रुपए चंदा, उससे लड़िए ना इलेक्शन आप। अब जब आप लोकतंत्र में सुधार की बात करेंगे, और ये सुधार ऐसे नहीं होता है, अगर जो आप सच में चाहते हैं कि लोकतंत्र नाम की संस्था में सुधार हो तो बिजनेसमैन को आपको दूर रखना पड़ेगा इन सारी चीजों से। अंबानी तो कितना चंदा दे सकते हैं, सारी सरकार को अपनी जेब में रख सकते हैं, तो अंबानी तो अपने फेवर में सारी पॉलिसी चाहेंगे, अडानी अपने फेवर में सारी पॉलिसी चाहेंगे, बिड़ला अपने फेवर में पॉलिसी चाहेंगे, टाटा अपने फेवर में पॉलिसी चाहेंगे, हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों की बात कौन करेगा, आम नागरिक का क्या होगा, आम नागरिक की बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। और हालांकि को लेकर के मैंने पहले दिन भी जब इस पूरा प्रकरण आया था उस दिन भी मैंने इस मुद्दे को उठाया, तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार थे, हालांकि वो नाराज भी मुझसे थोड़ा सा हो गए थे। आशीष जी एक 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद आता हूँ अश्विनी जी के पास। अच्छा राकेश जी भी कहना चाह रहे हैं, राकेश जी आप रखिए, आशीष जी आ रहे हैं 1 सेकंड, राकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ये जो भाई बोल रहे थे उनका नाम मेरे फोटो के नीचे दम कर, राहुल तालान जी, राहुल तालान जी हैं। ऐसा है, एक आदर्श व्यवस्था हमारे देश में चुनाव लड़ने की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यह चुनावी चंदा नहीं, उत्कोच है, हिंदी में उत्कोच मतलब ठेठ भाषा में रूस है, यह जरूर बात है। लेकिन सवाल है ना कि हम अलग अलग तरह के, हमारा ना देश बड़ा विविधता से बड़ा हुआ है, अगर हम सरकारी फंड से चुनाव लड़ेंगे तो फिर 140 करोड़ लोग चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक फंड से चुनाव लड़े, लेकिन वो इस तरीके की जो जो प्रक्रिया चल रही है चुनावी चंदे की, जनता के बीच में जाएं और लोकप्रियता अपनी दिखाएं। अगर हम बीजेपी को या कांग्रेस को एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी को समर्थन करते हैं, उसकी जो नीतियां हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं, तो मेरे पास जो भी सहयोग राशि होगी हम उसको डोनेट करेंगे। तालान जी कह रहे हैं जनता के पैसे से आप लड़िए, लेकिन जनता के बीच में जाकर के, ये नहीं कि कॉरपोरेट कंपनियों से आप करोड़ों करोड़ रुपए अरबों अरबों लीजिए और फिर उनके अकॉर्डिंग जो है कानून और नियम बनाइए। सवाल तालान जी का ये है। नहीं नहीं नहीं, वो बात ठीक है, ये कम से कम एक नंबर में दिख तो रहा है, नहीं तो बोरे में भर जाता तो चलिए ठीक है, उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है राकेश जी, ठीक है वो बात अश्विनी जी ने वो बात उठाई है, ठीक है आशीष जी आप बात रखिए। हाँ राकेश जी, आवाज तो मुझे कम सुनाई दे रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कुछ बोला था राकेश जी मेरी बात उन्होंने कुछ सुनाई नहीं। नहीं आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, देखिए भाई आशीष जी को आवाज नहीं जा रही क्या पूरी, देखिए ठीक करिए जरा। नहीं नहीं आपकी मुझे आ रही है, मत, मेरा कहने का मतलब आप भी नहीं समझ पाए शायद, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं कह रहा था तो मैंने आपसे कहा कि आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम सुनाई दे रही थी। हाँ। लेकिन मेरी आवाज आपको पूरी प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, आप बोलिए। राकेश भाई को लगता है मेरी बात सुनाई नहीं थी, मैंने कभी भी शराब घोटाले का समर्थन नहीं किया, और मैंने, और हमारे दिल्ली में हमारे 0 सीटें हैं, 0, और वहां पे 7-8 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो मुंह में दही जमाए बैठे रहे। हमने जब वहां पे देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने ये आवाज उठाया कि हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार या फिर घोटाले हो रहे हैं। हम 0 सीट पे होने के बावजूद लोकतंत्र में अपने आप की उपस्थिति वहां पे दर्ज करवाए और ये मुद्दे को उठाए। लेकिन आज जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है वो हम इलेक्शन की टाइमिंग को देखते हुए कर रहे हैं। आपने 2 व्यक्तियों को, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी को, 2 वर्षों से लगातार लगभग जेल में बंद करके रखा है, आज कागज में आपने क्या लाया उसे? सुप्रीम कोर्ट में आज भी आप कोई भी एविडेंस दे पाने के पक्ष में नहीं है, मेरा कहने का अर्थ ये था। ठीक है, लेकिन अब वो लगे पूरा वहां पे लड़ने की कांग्रेस पार्टी की इच्छा से। अरे सुन लीजिए आप आशीष जी, ठीक है अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो हैं वो कुछ सबूत नहीं दे पा रही हैं, तो सबूत इधर से भी तो नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं बेल मिल पा रही भाई? आप अपने आप को निर्दोष साबित करिए, ये भी तो नहीं हो पा रहा। साबित करने के लिए क्या करना होगा? अरे आप सबूत मतलब प्रक्रिया बता दीजिए कि निर्दोष साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं आपके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं आप सबूत आप इकट्ठा करिए, आपकी तो पूरी टीम है, आपकी भी पार्टी है, ऐसा तो नहीं कि आपके पास फंड की कमी है। आप कैसे नहीं, अगर मुझे कोई चोरी कह देगा कि हमने चोरी किया है 5 लाख की, भाई आप दिखाइए, हम अपना अकाउंट जा करके दिखाएंगे, हम फला तारीख को हम ऑफिस में तो भाई हम कहीं गए नहीं, तो कहां से पैसे लेंगे? कि हम तो सबूत पेश करेंगे ना, हम तो बताएंगे कि साहब हम बेईमान नहीं है, हम ईमानदार हैं। हाँ ठीक है, इसी वजह से उन्होंने, ईडी ने दफ्तर की तलाशी ले ली, घर की तलाशी ले ली, बेडरूम की तलाशी ले ली, गुड़िया बिस्तर सब की तलाशी ले ली, बैंक के लॉकर की तलाशी ले ली, कहीं तो कुछ नहीं मिला। अब आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं? फिर तो अदालत पे सवाल नहीं उठा रहे हैं,
अदालत भी डांट रही है, बोल रही है भाई कि आपके पास कौन से ऐसे प्रक्रिया दस्तावेज तो दीजिए, लेकिन ये कह के जांच तो नहीं बंद कराई। तो फिर बेल क्यों नहीं दे रही अदालत? ये अदालत कोई ईडी एजेंसी तो दे नहीं, बीजेपी अपने कार्यालय से देगी नहीं बेल, ये तो अदालत देगी ना। ये आने वाले दिनों में ये भी आपके और हमारे समक्ष होगा कि क्यों नहीं दे रही। हाँ, तो फिर आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे। फिर आशीष जी, जैसे सूरत में राहुल जी के मामले बंद थे, धनाधन देखिए फैसले तक आ गए उसके। ठीक है, अश्विनी जी देखिए चंदे को लेकर के बड़े सवाल, FIR होने यौन पीड़न का उत्पीड़न होने के बाद FIR होने के बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक है अश्विनी जी, सवाल ठीक है बहुत आपके लंबे सवाल है और सभी सवालों के अश्विनी साई जी जवाब भी दे देंगे, लेकिन देखिए चंदे पर सवाल लगातार उठ रहा है। कंपनियां घाटे पर होती हैं फिर भी चंदा देने के लिए तैयार हैं, अपने एम्प्लॉयों को तनख्वाह दे नहीं पाती हैं, छटनी कर देती हैं, 10% 15% 5% 20% उनका इंक्रीमेंट कर नहीं पाती हैं, बोलते हैं कि हम मुनाफे में नहीं घाटे में हैं, उसके बाद 55-55 करोड़ रुपए चंदा दे रही पार्टियों को। ये मेरा मुद्दा रह गया, इसको मुझे छोड़ना था। योगेश जी, ये सवाल आपका बहुत मौजू है और मैं अपने कांग्रेस के भाई का जवाब देते हुए आगे बढ़ूंगा, उसके पहले तालान जी का, क्योंकि हमको जवाब देना तीन लोग। हाँ बिल्कुल, आप दीजिए। तालान जी, आपने जो कहा ना कि इस तरीके से नहीं होता है, आज हम और आप इस बात करने की स्थिति में आए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इस इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से, नहीं तो हम लोग बात करने की स्थिति में नहीं थे, क्यों पता ही नहीं था किसके यहाँ झोले में गया, किसके यहाँ बोरे में गया और किसके यहाँ ट्रक में गया, कोई हिसाब ही नहीं होता था। तो आज हम बात करने की स्थिति में आए हैं, इसका मतलब कि सुधार, अरे शांत रहिए, गलत बात है, चोरी आप लोग किए 56 साल तक फिर भी बीच में बोलेंगे, मैंने तो बोला नहीं आपके बीच में। आज तालान जी, बहुत स्पष्ट रूप से ये देखा जा रहा है कि कम से कम हम इस स्थिति में आ गए हैं, इस ट्रांसपेरेंसी के उसमें आ गए हैं कि हम बात कर सकते हैं कि किसने लिया। इसी के साथ जुड़ा हुआ योगेश जी, आपका जो सवाल है कि जो कंपनियां देने की स्थिति में नहीं है उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सरकार संज्ञान में लेगी कि आपकी अगर स्थिति नहीं है तो आपने कहां से किसको दिया है। ये यक्ष प्रश्न ये है, ये नहीं है कि किसने हमको 500 करोड़ दे दिया, उसकी औकात है तो दे दिया, नहीं है। पहले भी देखिए, एक सुधार की जब बात करते हैं तो देश में बहुत से सुधार लागू किए गए समय समय पर, पहले की चीजें कम, IPC की धाराएं देखिए किस तरीके से खराब थी, हम लोगों ने हटाया, कई कानून निष्प्रयोजित पड़े हुए थे, हम लोगों ने खत्म किया। अब देश को सुधार की आवश्यकता थी, हम लोग सुधार की तरफ ले जा रहे हैं। तालान साहब, तो आप ही लेके आए ना, अरुण जेटली साहब लेके आए ना, उसी नहीं बांड अगर ना लेके आते तो आप भी उसी का हिस्सा बन जाते, इतना सुधार किया लेकिन सुधार में भी ग्रे स्पेस जो छोड़ा है उसका फायदा भी तो आप भी उठा रहे हैं ना, ग्रे स्पेस छोड़ा गया, हम ही कैसे उठा रहे हैं, ये बात मानते हैं नहीं मानते, हम ही कैसे उठा रहे हैं, आप तालान जी कह रहे हैं हम ही कैसे उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन सब लोग तो ये जानना चाह रहे हैं अश्विनी जी, या तो आप बोल दीजिए कि हम पूरी देश की जनता को राजनीतिक पार्टी बना रही है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है ना, अगर जो आप जब बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसे लेकर उनके फेवर में पॉलिसीज कहा, कौन सी पॉलिसी बन गई उनके फेवर में, देश की जनता ना, नहीं नहीं कौन सी पॉलिसी बन, आप यही बताइए। चलिए ठीक है, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, तो कि मुझे बताइए फेवर में, फिर बिजनेसमैन को क्या पढ़ाए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घरानों को क्या पढ़ाए, जब आप उनके फेवर में सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की आपको दिक्कत है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से आपको दिक्कत है, ये लोग क्या दे रहे हैं, नहीं नहीं आप बताइए ना, चंदा किस बात का देती है आपको, फिर वही बात आप सुनना नहीं चाहते हैं। तालान साहब, आप तो ऐसे ना थे, बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं आप तो सुनिए ना, दोनों लोग जब मुझे पता चलता है तो आप ही बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए जनता का, या आप बोल लीजिए, मैं बोल लूं, बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए भाई, या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल लूं, बोलिए प्लीज, मैं जो कह रहा हूं आपने बोला तो मैंने बड़े ध्यान से सुना, सबको मैंने सुना, तो हमारा जवाब सुनने में दर्द क्यों हो रहा है भाई, नहीं नहीं प्लीज प्लीज बोलिए, किसी को दर्द नहीं हो रहा, किसी को दर्द नहीं हो रहा, किसी को दर्द नहीं हो रहा, लेकिन उन काउंटर तालाजी का काउंटर था, काउंटर ऐसे नहीं होता है, काउंटर होता है, पहले मैंने सुना, मैं एक एक आदमी का नाम लेके जवाब दे रहा हूँ, योगेश भाई ऐसे नहीं होता है, घुमा घुमा के देते हैं, बीच में बोलते चले जाइए, घुमा के देते हैं, घुमा घुमा के खाने की आदत है आप लोगों की, अभी तो आपके ऊपर आ रहा हूँ, हमारे तो मैं कांग्रेस के ऊपर आ रहा हूँ, 16 लाख करोड़ रुपया टैक्स माफ, अभी कांग्रेस को नंगा कर रहा हूँ, अभी अभी कांग्रेस को नंगा करता हूँ, आता हूँ, रुकी रुकी अभी आता हूँ, आपके ऊपर अभी बाकी है, ऐसा बोल लेगा आलान जी, नहीं 16 लाख करोड़ रुपया किसके माफ किए गए थे, नाम बताओ, चलो किसके माफ किए गए थे, अगर आप वाकई ब्राह्मण होंगे, जो मेरे और राकेश भाई ने कहा, जो असली ब्राह्मण होंगे, जनता के बीच में जाके आप बोलते हो ना,
कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आप लोग, तो आप लोग जनता के बीच क्यों नहीं जाना चाहते पता है? ना तो चुनावी चर्चा के लिए जाना चाहते हो, ना तो उनसे डिबेट करने के लिए जाना चाहते हो। उसका कारण ये है, बनी हुई बड़ी पार्टी, जवाब ले लीजिए आशीष जी, जवाब ले लीजिए। नहीं लेंगे, कौन से बनी हुई पार्टी हो आप लोग? ये कुतर्कों का देखिए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप असली कांग्रेसी हो और असली ब्राह्मण हो, एक कंपनी का नाम हमको सबूत के साथ दिखा दीजिए जिसका कर्जा माफ हुआ हो। राइट ऑफ और माफ दोनों फर्क होता है, राइट ऑफ से उनसे वसूला जा रहा है, माफ किसी की नहीं हुई। राइट ऑफ अब किसी दिन किसी दिन मैं कह रहा हूँ बुला लेंगे ना आप और हम बैठेंगे, राइट ऑफ समझा देंगे आपको, अभी कर लेते हैं, समझा देंगे। किसी दिन राइट ऑफ माफ नहीं होता है, राइट ऑफ अगर माफ होता है तो आपको अपनी शिक्षा पीछे लेनी चाहिए। राइट ऑफ जो कुछ भी होता है, राइट ऑफ अगर माफ होता है तो आपको अपनी शिक्षा लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अभी इन्होंने कहा एक दुराचार का मामला उठाया, FIR दर्ज था इनके पूर्व अध्यक्ष के ऊपर दुराचार का, सुकन्या अमेठी में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जो छूट गया वहां से मामला खत्म हो गया, उनके मामले पर नहीं बोलेंगे? नहीं पता है क्या? खत्म नहीं हो गया, हम नहीं पता है क्या? नहीं पता है, हम तो कहते हैं दो चार मामले और लगा लो। नहीं पता है, वो परिवार ही गायब है आज तक, वो परिवार गायब है आज तक, नहीं मिला। अरे वही जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुराना सुकन्या का परिवार था, वो गायब है परिवार आज तक। सोचिए कितना बड़ा दुर्दैव है कि देश में आप लोग कहते हो कि ताकतवर प्रधानमंत्री हो, ताकतवर गृह मंत्री, नहीं नहीं छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो। अरे काम क्या, जमानत पर छूट के घूम रहे हैं नेशनल हेराल्ड में, माँ बेटे दोनों अपराधी हैं, एक तो सजा याफ्ता हो गया था, अभी चुनाव आया है, वापस से नोटिस आई, फिर जाएंगे हम, फिर जाओ भैया कहीं जाओ। और राहुल जी ने कल स्पष्ट शब्दों में अपने इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है, 2024 के बाद असली जांच एजेंसी का पता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चले। चोरों से पूछताछ होती है, राहुल गांधी जो है नेशनल हेराल्ड में घोटाला किए हैं, चोरी किए हैं, जाके उनसे पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, चोरों से पूछताछ हुई, रोका है 15-15 घंटे 12-12 घंटे। आपका खानदानी किसी को चोर, चलिए दोनों लोगों को देंगे, आशीष जी रुकिए, आशीष जी रुकिए, आशीष जी देखिए, आशीष जी रुकिए, आशीष जी रुकिए, ठीक है आशीष जी रुकिए, आप रुकिए साई जी, अब मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि देखिए मेरे बीच में बोले हैं तो हम तो सबके बीच में बोलते हैं, मेरी आवाज को दबा दीजिएगा। नहीं भाई, अब हम क्या करें, पूरी आवाज खुली, आपकी आवाज सत्ता में बैठे हुए इतने क्या बात आप साई जी कह रहे हैं? जब बोला जाएगा तो इनसे तेज में चिल्लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब देखिए जवाब देते हैं सवाल पूछकर भागते हैं, क्योंकि न पार्टी में दम, न पार्टी के लोगों में दम, न पार्टी के प्रवक्ताओं में दम, पढ़ लिख के नहीं, न राइट ऑफ और माफ में जिसको फर्क नहीं पता है, वो यहाँ आकर कहता है कि 16 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। जैसे ही देश को ये लोग गुमराह करते हैं, इस तरह हमारे पार्टी को राइट ऑफ क्या होता है, मैं आपके माध्यम से ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, अब सुनी साईं जी आपको भी रोकेंगे, सुनी परमार जी को रोकेंगे, राहुल तालान जी को साईं जी आता हूं अगले राउंड में आता हूं, आशीष जी आप और साईं जी आप दोनों लोग पानी पीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ा सा नहीं दोनों लोग सुनी भाई देखो, परमार जी को स्क्रीन लेके आइए, दोनों लोगों को राहुल ये जरा राइट ऑफ और माफ का मतलब बताते हैं। चलिए ठीक है, मैं तालान जी के पास आऊंगा, ठीक है राहुल जी, परमार जी के पास पहले जाऊंगा। परमार जी, जो मैंने अश्विनी जी से सवाल पूछा था कि ये जो कंपनियां घाटे में जाती हैं बावजूद इसके चंदा देती हैं, और अगर इन्हीं कंपनियों से कह दो कि इनके जो कर्मचारी हैं इनकी तनख्वाह में थोड़ी बढ़ोतरी कर दें तो तमाम तरीके के तर्क देंगे, और इस लिस्ट को अगर आप देखिए तो जो चंदा दिया गया है वो दौर कोरोना काल का था, मतलब कोरोना काल के दौरान जनता, देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, लोग कह रहे थे पैसे का आवागमन नहीं हो पा रहा, पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में कितनी जिंदगियां चली गई, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, क्या क्या इस देश ने नहीं देख लिया उस दौर में, और राजनीतिक पार्टियां उस दौरान चंदा लेने में मशगूल थी, और ये कॉरपोरेट घराने जो उस दौरान अपने कर्मचारियों को रख नहीं पा रहे थे, काम नहीं दे पा रहे थे, निकाल दे रहे थे, और वो बेचारे कामगार अपने देश अपने गांव लौटने को मजबूर हो रहे थे, लेकिन उनके पास चंदा देने के पास लिए पैसा था। आपका पांडे जी प्रश्न एकदम जायज है और ये बड़ा मार्मिक, एक तो कोरोना काल में बंदी है सही में भुखमरी पर था, लेकिन देखिए आपने कोरोना का नाम लिया तो एक बात रखना पड़ेगा कि कोरोना काल में जिस तरह से जॉबलेस लोगों को नरेंद्र मोदी ने अनाज खाने पीने का सहारा दे करके सहारा दिया, मुफ्त में वैक्सीन राशन दिया, वो कौन बात, लोग कहेंगे कि मैं भाजपा प्रवक्ता आ गया हूँ। अभी बात हम चंदे पर ही करते हैं,
यह बात जरूर चिंता का विषय है और इसके लिए होगा क्या या होना क्या चाहिए कि हम सब लोगों को जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को एक ऐसा माहौल ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि राजनीतिक दल दबाव में ना आए। देखिए चुनाव लड़ना है, मोदी जी को चुनाव में जाना है तो चुनाव में पैसा लगता है, इसकी कोई फूल प्रूफ व्यवस्था जब तक इस देश में नहीं बनती है पांडे जी तब तक इन्हीं सब स्रोतों से चंदा आएगा। यह जरूर है कि चंदा आया है या ईमानदारी से बिल्कुल नहीं आया है, 2-4% लोग ईमानदारी से दिए हैं, कुछ लोग लालच में दिए होंगे, कुछ लोग दबाव में दिए होंगे, कुछ लोग अपना लिंक और संबंध बनाने के लिए दिए होंगे। अगर ऐसा है आपका कहा हुआ, देखिए मेरे पास यह रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कंपनी में घाटे में है और पैसा दे रही है, रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है पूरा, उसमें पूरा खाका है सब। नहीं मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं कि मैं एक जिम्मेवार चैनल के जिम्मेवार एंकर के पूछे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, या सही है गलत है ये पांडे जी की जिम्मेवारी तब मैं बोल रहा हूं। अगर ऐसी है आपका कारण की कंपनी घाटे में है, एम्प्लॉय को पैसा देने का पैसा नहीं है, तो वो निश्चित रूप से सरकार से संबंध बनाने के लिए पैसा दे रही है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसी मामले को दबाने के लिए, उठाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए चंदा दे रही है। लोक हित में चंदा देना उस टाइम केस नहीं है, क्योंकि लोक हित में उसके नौकरी करने वाले लोगों के हित पहले है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूं तो कर्मचारी के नाते मालिक का मेरे प्रति जिम्मेदारी पहले बनती है कि वो मेरे को करे, लेकिन वह माफी के लायक है, इसलिए माफी के लायक है क्योंकि जब बोरा में भर के ली जाती थी तो उससे कितना ली जाती थी हम जान ही नहीं पाते थे, तो कम से कम भाजपा बधाई की बात रहे कि उसने यह जानने का हक लोगों को दिया, बात को कि जी ने कहा कि कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी है, एक नंबर में लिया है, बैंक के माध्यम से लिया है, बोरे में नहीं लिया है, नहीं तो बोरा में होता था कि कुछ पार्टी में तो पता ही नहीं चलता था कितना आया कौन दे गया क्या दे गया। ठीक बात, आप ये भी करें। तालान जी आपने ये जो सवाल उठाया आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, सरकार क्या बदलाव कर सकती है? और अभी साई जी ने कहा कि जिन कंपनियों की ये लिस्ट आई है जो घाटे पर हैं, जिन्होंने चंदा दिया, उसकी जांच की जाएगी सरकार की तरफ से, आपको उम्मीद है ऐसा होगा क्या? दो सवाल हैं आपसे। देखिए निश्चित तौर पे अगर जो आपको लोकतंत्र को बचाना है और पूंजीवाद से बचाना है, मैं पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हूं, ये भी मैं आपको साफ बता देता हूं, पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि साफ सुथरा पूंजीवाद होना चाहिए, ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी इस देश की जिन्होंने अब तक शासन किया है, जो शासन करेंगी, वो जनता के लिए बनती है, जनता के भले के लिए। लोकतंत्र इस देश में है कि वो जनता का भला करे। आम जनता के लिए सड़क बनती है, उसका सबसे ज्यादा फायदा मैन बिजनेसमैन उठाते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? आम जनता देती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे ज्यादा फायदा बिजनेसमैन उठाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बड़े बड़े पोर्ट चला रहे हैं, कंटेनर डिपो चला रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं उसका। लेकिन आप ठीक है, आप चंदा लीजिए, लेकिन चंदा लेने की प्रोसेस आपको साफ सुथरी रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि एक दिन सरकारी दबाव में आने लगे। देखिए इतने बड़े भारत बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जब भारत 3री बड़ी इकोनॉमी बनेगा बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे हमारे यहाँ, और जब अगर फर्स्ट और सेकंड बनेगा तो आप तो पूंजीवाद के हाथ में बिक जाएंगी सरकारें, फिर तो बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीद लेंगे ना सरकारों को। तो आपको लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो आपको इस चीज का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, पूंजीवाद का एक उदाहरण के लिए आप काम करें। 47 से और 24 तक आप बता दीजिए किस सरकार में रहा है, जरा सा स्वच्छ पूंजीवाद का एक उदाहरण। पर्टिकुलर किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ अश्विनी जी, मुझे चिंता है लोकतंत्र की, मुझे तो आज लोकतंत्र की चिंता क्यों हो रही भाई? आप बोल रहे हैं आजादी के 75 साल के बाद आपको लोकतंत्र की चिंता हो रही है कि जब नहीं थे तभी भी कुछ लोग तब का भी हिसाब आजादी के 75 साल के बाद लोगों को भी चिंता हो रही है कि जब बोरी में चंदा लिया जा रहा था। मैं उस दौर को भी बुरा मानता हूं, लेकिन ग्रे स्पेस छोड़ के आप चंदा लेंगे उस दौर को भी बुरा मानता हूं। कांग्रेस ने भी लिया है चंदा, समाजवादी पार्टी ने भी लिया है, बाकी टीएमसी ने, बीजेडी ने, सब ने लिया है चंदा। अब आप बोल रहे हैं, यही अब बोल रहे हैं आप इस चीज को, अभी तक तो आपने नहीं बोला। लेकिन लोकतंत्र की चिंता करते हैं तो आप भी ये जरूर सोचेंगे आप जाके कि मैंने सही बोली थी ये बातें। हमें चिंता है क्योंकि देखिए अभी तो भारत 5वीं लोकतंत्र की चिंता करते हैं, तभी इसको कागज पर उतारा है हमने, इकोनॉमी जब आप हमने कागज पर उतारा है, नहीं तो कागज पर ये नहीं उतर पाता रहेगा ये देश। मुझे इनकी जेब में रहता, उनकी जेब में रहता, कागज पे ना उतरता। आप ये सोच, आप ये सोचते हैं या नहीं सोचते हैं कि जब बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी तो बड़े बिजनेसमैन चलाएंगे क्या इस देश को? नहीं, कोई नहीं चलाएगा, कोई बिजनेसमैन नहीं चलाएगा।
तो लोकतंत्र में देश को सरकार चलाएगी, शासन चलाएगा, बिजनेसमैन नहीं चलाता है देश को। ये आप गलत सोचते हैं, बिजनेसमैन चलाता है सरकार, है ना? कोई किसी की सरकार, हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार, कब चलाया है बताइए? इस देश को किसी व्यापारी ने चलाया है कभी? हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी सरकार रहनी है, अश्विनी साय जी सरकार रहनी, कोई पुलिस सुधार लागू करने के लिए तैयार है? जुडिशरी सुधार नहीं हो रहे इस देश में, ठीक है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप जुडिशरी सुधार हो रहे हैं, पुलिस सुधार हो रहे हैं, ठीक, आपने ये बोल रहा हूँ कि सुधार करिए ना, सुधार सुधार को लेकर साय जी से मेरा सवाल है। अब इसमें एक सेकंड जी, मिश्रा जी रुकिए रुकिए भाई, मिश्रा जी रुकिए, साय जी इस सुधार के जिक्र किया जा रहा है, सुधार की बात की जा रही है, अब इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं एक आम नागरिक के तौर पर और एक सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर? योगेश जी देखिए, हम लोगों ने कितने सुधार किए, हम लोगों ने, मैंने अभी कहा आईपीसी में सुधार किया हम लोगों ने, जो देश के लिए कलंक था 370 उसको हटाया, कुरीतियों में सुधार किया हम लोगों ने, सुधार तो अनवरत चल रहा, सीएए चल रहा है, यूसीसी ला रहे हैं, ये पूरे देश में अनवरत सुधार चल रहा है, में माल दबाया जिसका विरोध कांग्रेस करती रही, कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं किया, कांग्रेस का तो ध्यान गया लूटो खाओ ऐश करो, जिस समय हम लोगों ने इन लोगों के ऊपर भी अंकुश लगाना शुरू कर दिया है, उस समय इसलिए राहत रही है, रहने के बावजूद आज कटोरा हाथ में आ गया है, झूठ पॉलिसी बनाई गई और उसके अंदर पुराने सब पैसे हजम किए गए व्यापारियों से, झूठ बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दायरे से बाहर रखा गया ताकि वो जनता की बिचाई नहीं सके, हमारा फ्रिज कर दिया गया ताकि वो जनता की बिचाई नहीं सके, हिसाब दोगे नहीं इनकम टैक्स का, चोरी करोगे तो हिसाब जो है अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, तुमको बंद किया जाएगा, चालान काटा जाएगा, सारे जो है जो हथकंडे हैं अपनाए जाएंगे सरकारी, और सरकारी हथकंडे करने पर बिल बिलाइए मत, कांग्रेसियों बिल बिलाओ मत, और चुनाव जितना लूटना था 56 साल में लूट चुके, अब वो 56 साल के लूट की दुकान नहीं रही, अब वो दुकान बंद, उस दुकान बंद करने के साथ ही मोदी जी यहाँ पर कसम खा कर आए हैं कि चोरों का जो मोहम्मद की दुकान खोले हैं वो मोहम्मद की दुकान बंद, और गांधी परिवार के कील में जो है आखिरी ताबूत ठोक दी गई है, 24 में 24 आएगी, जनता ने लतिया के भगा दिया है, उसके वोट की चोट देकर, वोट की चोट इतनी औकात नहीं है दो चुनाव में, इन लोकसभा में नेता पैदा कर लो भाई, इतनी औकात नहीं है, जनता ने इतने लायक नहीं छोड़ा लोकसभा में, और यहाँ आकर प्राणवायु निकालने से विधवा विलाप करने से कुछ नहीं होगा, कटोरा लेकर भीच मांगो, राम मंदिर बन गया है उसी के सामने जाकर, कांग्रेसियों बनियान बिक रही है, टी शर्ट बिक रही है, जूता बिक रहा है, ये सारे कांग्रेसियों को बेचना पड़ रहा है, ठीक है साईं जी, ये स्थिति बड़ी खराब है, कोई दिक्कत है, हम देश नहीं बेचेंगे, हम अपनी संपत्ति बेच देंगे लेकिन देश नहीं बेचेंगे भाजपा की तरह, हाँ कोको द्वीप आपके नाना ने बेचा, कोको द्वीप काबा द्वीप आपके नाना ने दान दिया, बेचा क्यों नहीं, उधर 43,000 किलो वर्ग किलोमीटर इंदिरा गांधी नाना ने अपनी पूरी संपत्ति देश को दान दे दी, आनंद भवन कितने की है भाई, चलिए खैर ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, आशीष जी चलिए ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है, चर्चा को हमें विराम देना पड़ा, आशीष जी और शाही जी आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ परमार जी जुड़े हुए, राहुल तालान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, अपने चरम पर सियासत है इस दौर में, और खासतौर पर उस दिन से जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से अब और भी सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी वैसे वैसे ये सियासी पारा और भी चढ़ता नजर आएगा, पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़, नमस्कार।